अवैध मदिरा के निष्कर्षण परिवहन एवं व्यापार में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने संबंधित बैठक जिलाधिकारी के विजन पांजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु, जिला आबकारी अधिकारी विजय प्रताप सिंह, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले में बिकने वाले अवैध कच्ची शराब पर लगाम लगाने के संबंध में चर्चा हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जहरीली शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाए तथा इस धंधे में लिप्त कारोबारियों पर भी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा कच्ची शराब में प्रयोग होने वाले सामग्री की भी जांच किया जाए, जिससे कारोबार पर लगाम लगाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजन पांडेय ने कहा, अधिकारी को अपने थाना प्रभारी को निर्देशित करें जो नियमों का खाली करके हमें बताएं हम बिल्डिंग कैसे खाली करें। कौन सी बिल्डिंग खाली करना है? अपनी भवन है वहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल इस्टेट में, जिसमें अवैध रूप से कुछ लोग उसमें घुस गए हैं। यहाँ खजने में एक महिला घुसी हुई है, उसको बार बार कहा जा रहा है कि आप खाली करके निकल जाओ, उसमें बैठ जाओ। ऐसे नामित कराओ, कोर्स पर्याप्त करा करके ले जाओ खाली करके। 100 नंबर जा करके वो खाली करा दिया है, पूरा दिया, ठीक है। और बढ़ाल गंज में सर है तो वहाँ छात्रावास बनाया गया है, स्कूल के लड़के उसमें रह रहे हैं, इस समय तो सब ताला बंद करके छात्रावास। ठीक है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव भवन है? जी, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ 2 कमरे का एक ब्लॉक होता है, क्या है, समाज कल्याण विभाग का। समाज कल्याण विभाग का सरकारी हो गया ना? लड़कों विभाग, लड़कों से पूछना पता चलता है कि समाज कल्याण के द्वारा हमको दिया है। वो तो सरकारी हो गया है, वो तो गलत नहीं होगी, तो उसे बदले उसका अवज में आपको कोई जमीन दूसरा दे दी जाएगी। विभाग से सब कुछ लिखा पड़ी है, सब कुछ है नहीं। तो जरूरत है आप स्वयं, आप एक चिट्ठी लिखो, मैं मजिस्ट्रेट नामित करा लेता हूँ, मजिस्ट्रेट चेक कराएंगे जी। आपका विभाग का है तो फिर आपको गाली करके दे दी जाएगी सर। एकदम जर्जर पड़ा हुआ है सर, उसको रिनोवेशन कराना है, खाली नहीं करना है। इसे खाली चलना है आपको पड़ेगा, आपने सुन रहे हम जाके खाली कराते हैं, चलना तो आपको पड़ेगा। सरकारी के पास है, पहले तो हम उसको क्लियर करो, उसके बाद किसी मुद्दा पे आ जाओगे। सर एक दिन पे क्या क्या जिम्मेदारी है अभी फिलहाल, मॉडल सब फ्रंट क्या है, कैसे चल रहा है? अब पिछले 4-5 साल में बहुत खतरनाक स्थिति बनी हुई है, ताकि लीगल चैनल में ही जो जहरीली शराब वो हटा जा रहा है, बहुत खतरनाक है। ताकि पहले आगे बनती थी कुछ लोग मरते थे, पता लगे अभी जो सरकारी ठेका है, गवर्नमेंट का लाइसेंस दुकान से जहरीली शराब बांटा जा रहा है, तो उसी उम्र से पी के बहुत लोग मरे हैं। हर महीने नहीं तो 2-3 महीने की घटना तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट तो की जा रही है। पहले उन्नाव में है, सहारनपुर में है, अम्बेडकर नगर में है, कभी हाल ही में कहा अलीगढ़ लेटेस्ट जगह जो ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, जो ताकि मार्जिन तो सरकार ने बिल्कुल कम कर दिया है, कोटा भी बढ़ा दिया, इसलिए जो ठेका लेने वाले हैं। अब पहले जो क्या है, बड़े बड़े कातल लोग लेते थे, उन लोग तो फिर एक का कहीं नुकसान होता था दूसरा से भरपाई कर देते थे, जो फायदा मिलता उसे बैलेंस कर देते। अभी जो बिल्कुल छोटे छोटे ठेकेदार को मिला है, तो जो एग्जिस्टिंग जो ठेका में जो उनका शराब है वो बाटल खोल के डाइल्यूशन करा करके, रिफिल करा करके, रीसील करा करके फिर बेचते हैं। ये फिलहाल मोटर अपरेंट ये प्रॉब्लम क्या है, इसी स्ट्रेन में कहीं ना कहीं जो रिटेल अल्कोहल मिल जाता है तो वो पता ही नहीं चलता, बिल्कुल दोनों का टेक्निकल प्रॉपर्टी सेम है, कोई पहचान नहीं पाएगी तब तक दीप के कुछ इम्पैक्ट नहीं आता है, तब तक किसी को नहीं पता रहता है। देखिए, अवैध शराब कहीं भी बनता है उसको ऊपर सख्ती से कार्रवाई करेंगे हम लोग, उसी का आज मीटिंग है, उसको कप्तान साहब है, ट्रांसपोर्ट महकमा है और बाकी सभी लोग हम लोग
मीटिंग लिए थे, उस पर निर्देश दिए थे किसी तरह का भी डाइल्यूशन है, किसी तरह का कच्ची शराब, किसी तरह का अवैध शराब, उनको ऊपर हम सख्ती से सख्ती कठोर कार्रवाई करेंगे। अब सबसे निवेदन है, कहीं से भी आपको खबर मिलता है अवैध शराब बनाने का, कच्ची शराब बनाने का, ज़रूर हमें प्रशासन को इंटीमेट कर लें, उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। इसको जो कहाँ कहाँ सामग्री आने की संभावना है, वैसे इंडस्ट्रियल एरिया में आने के लिए उम्मीद है, और कहीं आसपास जनपद से पिल्फरेज होता है, लीकेज हो जाता है, उसी का हम लोग इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं। खासतौर पे जो आसपास जनपद में कहीं से भी ट्रक मूवमेंट है उसका ट्रैक कर रहे हैं, कहीं से भी इसी टाइप का जो जहरीली शराब आने के लिए कहीं से भी सूचना मिल जाता तुरंत हम कार्रवाई करेंगे।